संघ भंग के खिलाफ हुए आंदोलन के कारण सारे देश में एक बार फिर जबरदस्त राष्ट्रीय चेतना जागृत हो उठी थी। लोगों में नया उत्साह और जोश आया। वंदे मातरम, युगांतर और संध्या नामक समाचार पत्रों ने इस आंदोलन को काफी ताकत दी। वंदे मातरम में प्रकाशित अरविंद घोष के लेखों का बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता था। उनके जोशीले लेखों से सरकार बहुत परेशान हो रही थी। दूसरी ओर वारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त द्वारा प्रकाशित युगांतर भी इतना लोकप्रिय था कि उसकी प्रतियां हाथों हाथ बिक जाती थीं। वारिंद्र कुमार घोष अरविंद घोष के भाई थे और उनमें बचपन से ही देश प्रेम के बीज अंकुरित हो चुके थे, किंतु वे पल्लवित हुए सन 1902 में जब वो कलकत्ता आए। उस समय जगह जगह अनुशीलन समितियां स्वदेशी का प्रचार कर रही थीं, पर सरकार ने इन समितियों को दबाना शुरू कर दिया। वारिंद्र कुमार घोष ने बंगाल में घूम घूम कर अनुभव किया कि इस प्रकार की समितियों से काम नहीं चलने वाला। जरूरत इस बात की है कि विदेशी सरकार के खिलाफ राजनीतिक षड्यंत्र आयोजित किया जाए। वंदे मातरम में जोशीले लेख लिखने के लिए अरविंद घोष को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन इस बात के कोई प्रमाण न थे कि उसके संपादक अरविंद घोष ही हैं। ब्रिटिश सरकार ने विपिन चंद्रपाल को अदालत में बुलवाया, क्योंकि उनके बारे में ये मशहूर था कि वे सच के अलावा कुछ नहीं कहते। जब अदालत में उनसे ये पूछा गया कि वंदे मातरम के संपादक कौन है, तो उन्होंने कहा, मैं विदेशी सरकार के सामने गवाही नहीं देना चाहता। आखिर प्रमाणों के अभाव में सरकार ने अरविंद घोष को मुक्त कर दिया, लेकिन अदालत में गवाही न देना जुर्म माना गया और विपिन चंद्रपाल को 6 महीने कैद की सजा दे दी गई। सन 1907 तक स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन पूरे जोरों पर सारे देश में फैल चुका था। विदेशी माल की होलियां जलाई जाने लगी। लोकमान्य तिलक ने घोषणा की कि उनके दल को सरकार की नीतियों पर कोई विश्वास नहीं है। मैं अपने ही घर की चाबी चाहता हूँ। स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। उधर ब्रिटेन में भारत मंत्री का स्थान लिबरल पार्टी के जॉन मॉर्ले ने ले लिया था। भारत में लॉर्ड कर्जन के स्थान पर लॉर्ड मिंटो ने वॉइसराय का पद संभाल लिया था। मॉर्ले और मिंटो दोनों का विचार था कि भारत की अशांति को दबाने के लिए केवल बल प्रयोग से काम नहीं चलेगा, ये भी जरूरी है कि सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, मोतीलाल घोष और गोखले जैसे नेताओं से भी संपर्क रखा जाए। ये सब कांग्रेस के नरम दल के नेता थे, लेकिन गरम दल के नेता कुछ कम प्रभावशाली न थे। तिलक, अरविंद घोष, विपिन चंद्रपाल, लाला लाजपत राय आदि ने भी कांग्रेस पर अपना प्रभाव जमाना शुरू कर दिया था। चूंकि कांग्रेस को उस समय तक ब्रिटिश सरकार ने राजनीतिक महत्व दे दिया था, इसलिए गरम दल और नरम दल के बीच रस्सा कशी शुरू हो गई। सन 1907 में सूरत में हुए कांग्रेस अधिवेशन में दोनों दलों के बीच खुलकर संघर्ष हुआ। काफी गड़बड़ी के बाद गरम दल वाले पंडाल छोड़कर चले गए। अधिवेशन की कार्रवाई नरम दल वालों ने चलाई। वहां उपस्थित 1600 प्रतिनिधियों में से केवल 900 गरम दल के साथ हो गए। उन दिनों वंदे मातरम कहना कानूनी अपराध था। मेदिनीपुर बंगाल में एक कृषि प्रदर्शनी लगी थी। उसमें एक लड़का कुछ पुस्तकें लिए चिल्ला रहा था, हमारी माँ के टुकड़े करने वाले अंग्रेजों के काले कारनामे इस पुस्तक में पढ़िए और पुकारिए वंदे मातरम। अचानक उस लड़के के अध्यापक वहाँ आ गए। उन्होंने समझाया, खुदीराम ये सब बंद करो, जानते नहीं वंदे मातरम कहना विद्रोह करना है। खुदीराम बोला, तो मैं विद्रोही ही सही। आखिर कुछ देर बाद पुलिस ने उसे पकड़ लिया। उसे पुलिस ने इतना पीटा कि वो लहूलुहान हो गया। उस पर विद्रोह करने का मुकदमा चला, परंतु उसके खिलाफ सबूत न थे। आखिर जज ने उसे छोड़ दिया। कुछ समय बाद मुजफ्फरपुर के मैजिस्ट्रेट किंग्स फोर्ट की बग्घी पर बम फेंकने के अपराध के लिए खुदीराम बोस को फांसी की सजा दे दी गई। खुदीराम बोस के बलिदान से सारा देश दहल उठा था। बाल गंगाधर तिलक ने इस बारे में केसरी में कुछ तीखे अग्रलेख लिखे।
बस ब्रिटिश सरकार को मौका मिल गया। उस समय तिलक काल के संपादक परांजपे की पैरवी करने बंबई आए थे। वहीं उन्हें होटल में गिरफ्तार कर लिया गया। तिलक पर तत्काल मुकदमा चलाने की तैयारी की गई। उन्हें ना जमानत पर छोड़ा गया और न ही अपने बचाव में कहने के लिए वकील की सुविधा दी गई। इस नाटकीय अदालत में जज के साथ जो जूरी बैठी उसमें 7 यूरोपियन और 2 पारसी थे। तिलक ने अपनी पैरवी स्वयं करने का निश्चय किया। इस मुकदमे में तिलक ने 21 घंटे 10 मिनट तक अपने ऊपर लगाए गए अभियोगों का उत्तर दिया। उनकी बहस सुनकर अंग्रेज जज तक घबरा गया, किंतु फैसला तो पहले ही तय हो चुका था। तिलक को 6 वर्ष की कैद और 1,000 रुपए जुर्माने की सजा सुना दी गई। फैसला सुनाने के बाद जज ने तिलक से पूछा, आप कुछ कहना चाहते हैं? तिलक ने इतना कहा, मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ, मैं जूरी के फैसले के बावजूद भी निर्दोष हूँ। मुझे लगता है कि हम जिस उद्देश्य को प्राप्त करने जा रहे हैं वो मेरे स्वतंत्र रहने की बजाय जेल में रहने से ज्यादा जल्दी पूरा होगा। तिलक को दी गई इस सजा के खिलाफ देश भर में आंदोलन हुए। ब्रिटिश सरकार का दमन चक्र चला। देश भर में गिरफ्तारियां हुई। 15 व्यक्ति मारे गए। ब्रिटिश सरकार ने पूरे देश में आतंक फैलाने के लिए कई कानून बना डाले और भारत की स्वतंत्रता को कुचलने के लिए दमन नीति तेज कर दी गई। उधर विदेशों में भी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की गतिविधियों को तेज करने के प्रयत्न किए जा रहे थे। इंग्लैंड में बैरिस्ट्री कर रहे श्याम जी कृष्ण वर्मा ने भारत में हो रहे ब्रिटिश सरकार के अत्याचारों का विरोध करने और भारत की वास्तविक स्थिति विश्व के सामने रखने के लिए सन 1905 में इंडियन सोशियोलॉजिस्ट मासिक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया था। उन्होंने इंडियन होम रूल सोसाइटी की भी स्थापना की। श्याम जी कृष्ण वर्मा द्वारा खरीदे इंडिया हाउस भवन में रहने वाले भारतीय विद्यार्थी ब्रिटिश सरकार का सिरदर्द बनने लगे। इंडिया हाउस में श्याम जी कृष्ण वर्मा से मदन लाल ठींगरा, विनायक दामोदर सावरकर आदि अनेक छात्रों ने देशभक्ति की दीक्षा ली। सावरकर ने उन्हीं के मार्गदर्शन में 1857 क्रांति की वो प्रसिद्ध पुस्तक लिखी जिसमें उन्होंने सिद्ध किया था कि 1857 की क्रांति स्वार्थी राजाओं द्वारा नहीं चलाई गई थी बल्कि वो राष्ट्र की स्वाधीनता का आंदोलन था। धीरे धीरे श्याम जी कृष्ण वर्मा ब्रिटिश सरकार की आंख का कांटा बन गए। उनका इंग्लैंड में रहना मुश्किल हो गया। आखिर अवसर देखकर वो पेरिस चले गए। पेरिस में भी उन्होंने इंडिया हाउस की स्थापना की और मदाम कामा तथा अन्य मित्रों की सहायता से ब्रिटिश सरकार विरोधी काम शुरू कर दिया। मदाम भीखाजी कामा जब 24 साल की थीं, तब 1885 के पहले कांग्रेस अधिवेशन में शामिल हुई थीं। तभी से उनमें देश सेवा की लगन लग गई थी। जब वो 40 वर्ष की थीं, अपना इलाज कराने इंग्लैंड गई। वहाँ उनकी भेंट श्याम जी कृष्ण वर्मा से हुई। उनके कार्यक्रमों से मदाम भीखाजी कामा बहुत प्रभावित हुई। एक दिन मदाम भीखाजी कामा ने लंदन के हाइट पार्क में बड़ा जोरदार भाषण दिया। उन्होंने बताया कि हिंदुस्तान में अंग्रेज किस तरह जुल्म करते हैं। भीखाजी कामा के भाषणों से ब्रिटिश सरकार चौंक पड़ी। उन्हें गिरफ्तार करने का निश्चय किया गया, परंतु इससे पहले ही मदाम भीखाजी कामा पेरिस चली गईं। पेरिस में मदाम कामा की भेंट कई देशभक्त भारतीयों से हुई। इनमें प्रमुख थे लाला हरदयाल, विनायक दामोदर सावरकर, शापुरजी सकलातवाला, वीरेंद्र चट्टोपाध्याय आदि। सन 1905 में मदाम कामा ने जिनीवा से वंदे मातरम नामक साप्ताहिक प्रकाशित किया जिसमें भारत में अंग्रेजों के अत्याचारों के बारे में लेख छपते थे। सन 1907 में मदाम भीखाजी कामा अमरीका गईं और वहां भारत की स्वतंत्रता के बारे में भाषण दिए। उन्होंने जर्मनी, स्कॉटलैंड, पेरिस, लंदन, न्यूयॉर्क सभी जगह जाकर अंग्रेजों के खिलाफ भाषण दिए। वो कहती, देश बंधुओं, अपने देश में अपनी स्थिति का ख्याल करो। रूस में देशभक्ति करने वाले वीर माने जाते हैं, अंग्रेज भी उन्हें देशभक्त ही मानते हैं, और वही अंग्रेज हमें देशद्रोही और गुनहगार समझकर सजा देते हैं। यह किस लिए?
विदेशी शासन का सामना करना ही सच्ची देशभक्ति है। गुलाम जीवन बेकार होता है। सन 1908 में जर्मनी में विभिन्न देशों के 1000 समाजवादियों की परिषद हुई। भारत की प्रतिनिधि बनकर मदाम भीखाजी कामा जर्मनी गईं। वहां सब देशों के राष्ट्रीय ध्वज फहराए गए। इस मौके पर उन्होंने अंग्रेज सरकार के यूनियन जैक की जगह भारत का अपना राष्ट्र ध्वज तैयार करके फहराया। इस राष्ट्रध्वज में लाल, सफेद और हरे तीन रंग की आड़ी पट्टियां थी। पहले लाल रंग की पट्टी पर कमल का फूल और 7 सितारे थे। बीच वाली सफेद पट्टी पर वंदे मातरम लिखा हुआ था। नीचे हरे रंग की पट्टी पर सूर्य और अर्धचंद्र का चिन्ह था। 7 सितारे सप्तर्षि की याद दिलाते थे। सूर्य और चंद्र हिंदू मुसलमान की एकता के प्रतीक थे और वंदे मातरम भारत की एकता का मंच था। हमारे देश का पहला राष्ट्र ध्वज यही था। मदाम भीखाजी कामा ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को विदेशों में प्रचारित करने का जो महान कार्य किया वो उनकी ऐतिहासिक देन थी। लाला हरदयाल जिन दिनों लंदन में पढ़ रहे थे वहाँ भाई परमानंद और सावरकर के संपर्क में आए। वो राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल हो गए। कुछ समय बाद जब वो भारत आए तो लाला लाजपत राय के साथ काम करने का अवसर मिला। उनके क्रांतिकारी विचारों के कारण शीघ्र ही देश भर में उनका नाम तो हो गया लेकिन ब्रिटिश सरकार उनके पीछे पड़ गई। आखिर वो देश छोड़कर पेरिस पहुंचे। वहां उन्होंने सन 1909 में वंदे मातरम अखबार का संपादन कार्य संभाल लिया, पर अंग्रेज सरकार ने वहां भी उन्हें नहीं टिकने दिया तो वो अमरीका चले गए जहाँ उन्होंने भारतीयों का नेतृत्व संभाल लिया। उस समय तक भारत में एकता और राष्ट्रीय चेतना का पूरी तरह विकास नहीं हुआ था और अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाकर एक नई राजनीतिक संस्था मुस्लिम लीग को बढ़ावा देना शुरू कर दिया था। इसका एक कारण ये भी था कि उस समय तक लोगों में भारत को एक राष्ट्र मानने की भावना पूरी तरह जागृत नहीं हो पाई थी। कांग्रेस के सामने इसी जरूरत को पूरा करना एक चुनौती थी।